वंडरफुल प्लांट लवर, कैसे हो आप सभी। आज हम बात कर रहे हैं वाइट स्पाइडर लिली फ्लावर्स की। ये जो पॉट है गार्डन एरिया में रखा हुआ, इसके अंदर 11 बल्ब्स थे, जिसमें से 4 बल्ब्स तो हमने ये ग्राउंड में अपने गार्डन के साइड में लगाए हैं। ये पॉट एक्चुअली पूरा टोटली रूट बाउंड था। उस दिन का वीडियो शूट करना था लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, कोई काम नहीं हो पाया, तो वो वीडियो स्किप हो गया बीच में से। हमने उसे उसमें से निकाल के यहाँ 4 बल्ब तो यहाँ कॉर्नर्स पे शिफ्ट किए और बाकी के जो 5 रिमेनिंग बल्ब्स थे वो आए, और 2 अभी मैं आपको वीडियो के एंड में शो करूँगी जिन्हें हम सॉइल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये जो स्पाइडर लिली है, इसके लीव्स और फ्लावर्स की वजह से, इनकी शेप्स की बनावट की वजह से इन्हें स्पाइडर लिली कहा जाता है। और फर्स्ट ये लिली फैमिली को बिलोंग भी करते हैं, लिली की ही वेराइटीज़ में ये भी एक लिली आता है, स्पाइडर लिली। सॉइल की हम फटाफट बात कर लेते हैं। सॉइल हर प्लांट की तरह इसको भी, बट ऑब्वियसली वेल ड्रेन सॉइल ही चाहिए होता है। बल्ब वाले प्लांट को ज़्यादा वेल ड्रेन सॉइल इसलिए चाहिए बिकॉज बल्ब जो है, अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो बल्ब ख़राब हो जाते हैं, उनमें फंगस लगने का प्रॉब्लम हो जाता है और बल्ब आपके बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं, उसमें फिर कोई बात नहीं रहती। आप इसका सॉइल जो रेडी करें उसमें कोकोपीट ऐड कर सकते हैं, अगर है तो सैंड, कंपोस्ट आप अपना किचन वेस्ट बनाइए। आपके घर के अंदर इतना वेस्ट, जो किचन का जो भी आप सुबह शाम खाना बनता है, जो भी किचन में से निकलता है, आप वो अपना किचन वेस्ट के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए रखें, और बाकी जो भी आपका नॉर्मल गार्डन सॉइल है वो डालें। अगर जैसे अभी ये फ्लोर पे हमने लगा दिए गार्डन के, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जितना भी अपना न्यूट्रिशन है सब कुछ है, फर्टिलाइज़र ये अपना सॉइल से लेता रहेगा। और वैसे भी इनके आसपास हमने जितने भी गार्डन के ड्राई लीव्स थे वो डाल दिए, तो ये इसके लिए दी बेस्ट फर्टिलाइज़र हो जाएगा, लीव कंपोस्ट का, ड्राई लीव कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। पॉट में लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा इसको संभालना होता है, मतलब जब आपका फर्स्ट टाइम सॉइल ड्राई हो जाएगा तो ही आप इसको सेकेंड वाटरिंग देंगे, अदरवाइज़ आप इसे वाटरिंग नहीं करेंगे। फर्टिलाइज़र में मैं ज़्यादातर जो भी मैं घर से ही निकलने वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, बाज़ार से ख़रीदने से दी बेस्ट है। ड्राई लीव्स आपके पास इकट्ठे होते हैं, आपके आसपास के ग्राउंड्स में भी बहुत इकट्ठे होते हैं, आप ले आइए किसी भी बड़े पॉली बैग में, उन्हें भर के रख लीजिए, या फिर अपने गमलों के ऊपर मल्चिंग में, आपके गार्डन में मल्चिंग की तरह उन्हें यूज़ कर लीजिए। वो स्लो फर्टिलाइज़र है, धीरे 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 डीकम्पोज होकर वो आपके गार्डन के लिए जो बनेगा, जस्ट लाइक अ ब्लैक गोल्ड आप उसको कह सकते हो, वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बन के आपके गार्डन के लिए रेडी होता है। उसके बाद अपने गार्डन की चमक देखिएगा आप, बहुत अच्छी होती है। और अगर आप चाहें कि वैसे तो इस पर कोई माइट्स वगैरह या कुछ होता नहीं है, फिर भी आप नॉर्मल जो नीम ऑयल अगर स्प्रे करते हैं, हिबिस्कस अगर आपने घर में लगा रखा है और नीम ऑयल स्प्रे करते हैं, तो आप इसके ऊपर वो भी कर सकते हैं, नहीं तो गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर जो उसका, उसको स्क्वीज़ कर लें और जो उसका पानी है वो भी आप इन पर स्प्रे कर सकते हैं बाकी प्लांट्स की तरह। स्पाइडर लिली को ग्रो करने का केवल एक ही मेथड है, इसके बल्ब से मल्टीप्लाई करके आप इसे ग्रो कर सकते हैं। पानी, जहाँ तक हमने पानी की बात करी, तो पानी कम से कम ही देना चाहिए। इसके लीव्स अगर आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं तो फिर ये अपना जो फ्लावरिंग स्पाइक है उसको ना निकाल कर ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लीव्स डेवलप करने में लग जाता है, वो नहीं होना चाहिए बिकॉज फ्लावर ही इसकी ब्यूटी है, और इसके जो लीव्स हैं उसकी वजह से इसका जो फॉलिएज बनकर आता है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, आपकी आँखें टिक जाती हैं एक बार उस जगह पर। फ्लावर्स इसके बहुत ही फ्रेगनेंस और बहुत ही, मतलब कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस वाले होते हैं, बिकॉज जब भी इनके फ्लावर्स खिलते हैं तो आप अपने गार्डन एरिया के, अपने घर के आसपास के जो भी इन्वायरमेंट है उसमें इतनी प्यारी महक पूरे तरफ रहती है कि बहुत अच्छा लगता है, पूरे इन्वायरमेंट को इतना खुशनुमा बना देते हैं इसके फ्लावर, गजब का। इसका फ्लावरिंग जो है स्पाइक निकल कर आता है, ये बिल्कुल पानी, इसके अंदर बहुत पानी स्टोर होता है, फ्लैशी होता है, लीव्स भी इसके बहुत फ्लैशी होते हैं। फरवरी से अक्टूबर इसका जो है वो फ्लावरिंग टाइम है, ये अपने अंदर जो है लीव्स और अपने जो फ्लावरिंग स्पाइक है दोनों के ही अंदर ये बहुत सारा पानी स्टोर कर कर भी रखता है। वेदर अगर कहा जाए तो विंटर इसके लिए लिटिल बिट डॉर्मेंसी पीरियड है, और समर इसके लिए जो है इसका पसंदीदा है मौसम। ये जो आप बकेट के अंदर देख रहे हो, देखो ये 2 बल्ब्स मेरे पास रखे थे, इनके रूट्स देखो आप कितने अच्छे हैं। ये बल्ब थोड़े छोटे साइज़ के थे, जो गार्डन में हमने लगाए वो काफ़ी ह्यूज साइज़ बल्ब्स थे, ये 2 बल्ब जो है काफ़ी छोटे थे, बट इनकी रूट्स, मतलब इतनी मशक्क़त लगी इन्हें निकालने के लिए, उसमें से बहुत मेहनत करनी पड़ी उस पॉट में से इन्हें निकालने के लिए, पूरे रूट बाउंड हुए थे। ये 2 छोटे बल्ब्स हैं जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आई थी,
इनको हम अब सॉइल में करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ड्राई लीव्स अपने सॉइल मिक्सचर के अंदर ऑलरेडी मिला रखा है, ये ऑटोमेटिकली डीकम्पोज होता रहेगा। इसके अंदर मैंने काउडम मिलाया हुआ है, थोड़ा और मैंने रखा हुआ है, ये सॉइल है मेरी। और इसके अंदर मैंने जो मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट है वो मिला हुआ है, वो सैंड है, ड्राई लीव रखे हुए हैं और ये काउडम मैन्योर है, अच्छी तरह सड़ा हुआ काउडम मैन्योर है। ड्राई लीव्स मैंने जो नीचे अपना सॉइल पॉलीबैग के अंदर डाला उसमें भी डाल दिया है। और अब मैं जब इसको पूरा इसमें सॉइल में मिक्सचर में डाल दूँगी तो उसके बाद इसकी मल्चिंग में भी मैं उसको डाल दूँगी, ताकि वो धीरे 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 डीकम्पोज होकर आराम से अपना काम करता रहे। इसके लीव्स आप देखो लो क्लोज से, मैं उस वहाँ क्लोजअप नहीं ले पाई, शायद मैंने मेंशन ही नहीं किया। ये जो पानी है ये नॉर्मल वाटर नहीं है, बिकॉज़ ये मैंने बकेट बारिश में रख दिया था तो ये भर गया था। ये रेन वाटर के अंदर ही मैंने निकाल के रखे हुए थे। रेन वाटर नॉर्मली मैं स्टोर कर लेती हूँ, बिकॉज ये बहुत काम आता मेरे तो पौधों में देने के लिए भी, और जिन पौधों पर इनडोर प्लांट्स के अंदर नहीं मैं इसको दे पाती रेन वाटर को, तो मैं बॉटल में डाल के स्प्रे कर देती हूँ। तो ये मैंने रेन वाटर के अंदर ये दोनों बल्ब डाले हुए थे, अब हम इन्हें इन सॉइल के अंदर दोनों को डाल देते हैं। आज भी अजमेर के अंदर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज यहाँ का। देखिए अब ये जो मेरा मिक्सचर है, ये सॉइल आप जो देख रहे हो, इसी के अंदर मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट और सॉइल दोनों मिक्स है। मैं अलग अलग करके इतना झंझट नहीं रखती, मैं उसको मिक्स करके एक साथ रख लेती हूँ, ताकि फटाफट अपना बैग रेडी किया और अपना जो भी प्लांट है वो उसके अंदर शिफ्ट कर लिया। ये जो स्पाइडर लिली प्लांट्स है मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया कि इसी तरीके से इसको अभी तक तो और कोई तरीका मुझे नहीं लगता, बिकॉज़ बल्ब के थ्रू ही मल्टीप्लाई होता है, बल्ब से बल्ब इसके डेवलप होते रहते हैं और आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये ग्रो बैग के अंदर मैंने जो है, ये मेरा एज़ यूजुअल ग्रॉसरी वाला ग्रो बैग है, कोई मैंने कहीं से कोई परचेज़ नहीं किया है। इसके अंदर मैंने काउडम मैन्योर, अपना सैंड और जो मेरा गार्डन सॉइल और कंपोस्ट मिला हुआ, किचन वेस्ट कंपोस्ट मिला हुआ सॉइल था वो मैंने नीचे एक बार डाल दिया, उसमें ड्राई लीव्स भी मैंने डाले हैं। उसके ऊपर मैं इन्हें रखकर यही सारे प्रोसेस एक बार और रिपीट करूँगी और इस ग्रो बैग को फुलफिल कर दूँगी इन्हीं सब चीज़ों से। इस ग्रो बैग में मैंने पेन से, पुराना कोई पेन हो जो वो ले लो जिसकी निब थोड़ा शार्प हो, उससे मैंने इस ग्रो बैग के अंदर नीचे दो छेद और आसपास चार पांच छेद कर दिए, ताकि वाटर ब्लॉकेज ना हो। जैसे ही आप पानी डालें पानी तुरंत इसमें से निकल जाए, स्टोर ना हो, जितना पानी इसको रिक्वायर्ड होगा ये ले लेगा और बाकी का जो एक्स्ट्रा ओवर वाटर है ये उसको रिलीज़ कर देगा बाहर की तरफ, निकल जाएगा पॉलीबैग में से। ये मैंने दोनों बल्ब इस पॉलीबैग के अंदर अभी मैंने सेट कर रही हूँ, अभी फिर मैं अभी डालते हैं हमारा सारा सामान जो भी है, हमारा सैंड है, किचन वेस्ट कंपोस्ट और सॉइल मिक्सचर है, साथ में हमारा ये काउडम मैन्योर है, इन सबको डाल देंगे। और थोड़ा सा मैं मल्चिंग के लिए मैंने ड्राई लीव्स अपना रखे हुए हैं, तो वो ड्राई लीव्स भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब ये सारी चीज़ें, पहले मैंने सैंड डाल दिए, फिर सॉइल डाल दिए, फिर इन्हें हाथ ही से मैं जो अपना है मिला लूँगी अच्छी तरह से। एक चीज़ और है जो मैं बताना चाह रही हूँ कि इसके फ्लावर्स पर बारिश का पानी इसे थोड़ा सा कम पसंद आता है, बिकॉज़ जब बारिश का पानी इसके फूलों के ऊपर गिरता है तो इसके फूल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब मुरझा से जाते हैं, डेड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो जब बारिश आ रही हो तो उस ड्यूरेशन में आप इतना सा ध्यान रखें कि आपका जो प्लांट है उसको ऐसी जगह रख दें जहाँ पर इसके फ्लावर्स पे डायरेक्ट पानी, बारिश का पानी जो है इसके फ्लावर्स पर न आए। उसको सेव करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि डायरेक्टली सीधा पानी जो है आपके स्पाइडर लिली के फ्लावर्स के ऊपर ना आए, अदरवाइज़ जो इसका फ्लावर है सुबह खिल रहा होगा तो डैमेज हो जाता है। ये मेरा सॉइल मिक्सचर पूरा रेडी हो गया, मैंने एक बार इसमें सब कुछ डाल दिया। अब ये जो पानी मैं डाल रही हूँ ये रेन वाटर ही है, इसके अलावा मैंने अभी इसमें फर्स्ट अभी कोई पानी नहीं दिया है। मौसम बहुत अच्छा है, बारिशें हो रखी हैं, अपने लव वंस डियर वंस के नाम से प्लांटिंग कीजिए, खुश रहिए, सेव रहिए, गो ग्रीन सेव नेचर, खूब पौधे लगाइए।